नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में तो अपनी हंड्रेड डेज हंड्रेड कंसेप्ट की क्लिक क्लास है इससे पिछले वाली क्लास में अपन ने सी आई इंस्टॉलमेंट की वीडियो डिस्कस की थी जिसमें उसका सारा बेसिक से एडवांस लेवल का कंसेप्ट जाना था ऐसे ही इसमें करेंगे वेरिएशन में मैं पहले आपको बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुई है जैसे सी एच एस एल सी जी एल आई सी आर सी डी एस जो भी अच्छे क्वेश्चन है वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और कंसेप्ट भी ज़्यादा देर तक याद रहे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय चेतन सर आप उसे सर्च करेंगे अपन डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक का ढलवा देंगे तो आप वहां से भी सर्च करके जा सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है जैसे जो साइंस स्ट्रीम के उन्होंने सुना होगा कि कोई भी चीज किसी के डायरेक्टली वेरी कर रही है या फिर अनुक्रमानुपाती है अगर इनडायरेक्टली वेरी कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे कि वो व्युत क्राण है तो इस चीज को मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ए बी के अनुक्रमानुपाती है और दूसरी चीज मैंने लिखी यहां यहाँ से ए इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इनडायरेक्टली को कैसे लिखेंगे वनओपन में विथ तो तब यहाँ से मैं क्या क्या कह सकता हूँ कि ये जो है वो बी और सी के क्या है ए और बी के साथ क्या कर रहा है वेरी कर रहा है तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं बी को पकड़ के चलूं तो ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अगर मैं सी को पकड़ के चलूँ तो ए सी के क्या है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ से अगर मैं यहाँ से अगर मैं और यहाँ से अगर मैं अनुक्रमान अनुक्रमानुपाती या, या फिर ये वाला चिन्ह वेरीज वाला चिन्ह हटाना चाहूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी या फिर नियतांक आएगा जिसे मैं क्या कह सकता हूँ के कह सकता हूँ के इन कितना आ जाएगा मेरे पास में बी अपॉन सी ठीक है तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी ए सी कहाँ चला जाएगा ए के साथ मल्टीप्लाई में तो ए इंटू सी अपोन कितना आ जाएगा मेरे पास में बी ठीक है तो अभी ये के की वैल्यू जो है हर कंडीशन में यहाँ पे आप ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख दो के की के जो है हमेशा कैसा होगा समान ही होगा जैसे मैंने क्या कहा आप एक जगह रख दो मेरे पास में ए वन एक जगह क्या रख दो सी वन एक जगह क्या रख दो बी वन ए इसके बराबर होगा जैसे ए की वैल्यू कुछ और एज्यूम कर लो जैसे मैंने मान लिया ए टू सी की वैल्यू कुछ और मानो क्या मान लिया मैंने सी टू अपोन कितना हो जाएगा मेरे पास में बी टू यहाँ से ए सी बी की वैल्यू एक ही कंडीशन पे सेटिसफाई हो रही है जब ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ए सी के क्या है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है क्लियर हो रही है बात जैसे यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा मेरे पास में अब इतनी कहानी में हटा दो अगर आपको समझाने के लिए आपको समझ में आया नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बस एक कंसेप्ट था अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सुनो और अपन डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जैसे मैंने क्या कहा आपसे ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक कंडीशन मैंने आपको बताई कि ए सी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है तब यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा ध्यान से देखिए यहाँ से मैंने क्या कहा आपसे जो ए है उसको ऐसा कैसे लिखे रहन दो क्योंकि ए के साथ दोनों कंडीशन बन रही है मेरे पास में ठीक है ए के साथ अगर मैं ऐसे कैसे लिखे रह दूँ अब यहाँ पे डायरेक्ट का चिन्ह है किसका चिन्ह है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको उल्टा कर दो क्या बनेगा इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाले केस में क्या होगा वैल्यू नीचे जाएगी बटे में जाएगी अपोन में जाएगी तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा मेरे पास में बटे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा

टू क्लियर है बात हमारे पास में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे पहली कंडीशन में हमारे पास में दोनों तीनों चारों जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका हमारे पास में वैल्यू दे दी जाएंगी और दूसरी कंडीशन में केवल दो ही दो ही वेरिएबल की वैल्यू दी जाएगी और तीसरे की हमसे पूछ ली जाएगी वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब दोनों कंडीशन में ए बी के क्या है अनुक्रमानुपाती और ए सी के क्या है विथ हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला सेट करेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला क्लियर नहीं होता कि नहीं क्योंकि अगली कंडीशन में उन्होंने बोल दिया कि ए डी के अनुक्रमानुपाती ए बी के विथ है तो वहाँ पर चेंज होता रहेगा मैंने आप सब आपको बस एग्जाम्पल दिया है कि अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम कैसे बिहेव करेंगे बाकी आपको क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा तो अपन क्वेश्चन पर चलते हैं क्या है क्वेश्चन ये दो हजार तेईस का क्वेश्चन है जो कि अभी कब हुआ था अपना अगस्त में हुआ था ठीक है क्वेश्चन क्या है यदि एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है बस लिखते चलो क्या दिया है इन्होंने एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है ये मैंने नोट कर लिया अगर एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है तो मैं क्या बोल सकता हूँ एक्स वन अपोन y1 क्या और वैल्यू दी है क्या तीन कंडीशन दी है नहीं दी है केवल दो वेरिएबल का पूछा है अगर x1 अपॉन y1 है तो इसके बराबर क्या आएगा x2 अपॉन y2 अगर यहां से मैंने कहा है कि x y के डायरेक्ट वेरी कर रहा है तो जो रेशियो xy का यहां बन रहा है वही यहां बनेगा क्लियर है इतनी बात ठीक है पेन चेंज कर लूं तो अब यहां से मेरे पास में पहली कंडीशन में x की वैल्यू कितनी दी है 45 पहली कंडीशन में एक्स की वैल्यू कितनी दी है फोर्टी फाइव और वाई की वैल्यू कितनी दी है अपने पास में नौ दी है सेकेंड कंडीशन क्या बोला है वाई बराबर पचास होने पर एक्स का मान क्या है ठीक है अब सेकेंड कंडीशन में हमारे पास में वाई की वैल्यू कितनी है पचास और क्या पूछा है हमसे एक्स की वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्ट काटेंगे अपन नौ से काटेंगे पाँच बार पचास का पांच में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में टू फिफ्टी आई बात समझ में क्लियर हुआ क्या किया है मैंने लेकिन हमने जो कंडीशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग एक्स कहा चला, जा, कहा चला जा, वाई कहा चले जाएगा बटे में चला जाएगा क्लियर हो रही है बात ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ए बी के अनुक्रमानुपाति है और सी के व्यु क्रमानुपाति चलो लिख लो दोनों कंडीशन क्या है ए बी के अनुक्रमानुपाती और अगली कंडीशन क्या है ए सी के व्युत यही बनेगी अब यहाँ से अगर ए कंडीशन बन रही है तो मैंने लिखा ए ऊपर बटे में कितना चला जाएगा बी क्योंकि अनुक्रमानुपाती का जब साइन आता है तो हमेशा वैल्यू कहाँ जाती है हमारी नीचे जाती है और व्युत में मल्टीप्लाई में चली जाएगी तो यहाँ से लगाए मैं ए वन सी वन और बी वन बराबर कितना आ जाएगा ए टू सी टू कितना आ जाएगा मेरे पास में बी टू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा क्लियर है अब बस कुछ नहीं करना है पहले कंडीशन में ए बी सी तीनों के मान दिए और दूसरी कंडीशन में ए और बी का मान दिया है सी का मान पूछा है हमसे आराम से कर लेंगे तो ए की वैल्यू कहाँ पे कितनी दी है एक की वैल्यू मेरे पास में दी है कौन सा कलर लू रेड ले लेता ले तो। हूँ एक की वैल्यू दी है चार बटे तीन अब देखो एक वो बच्चे होंगे जो इसको ऐसे लिखेंगे चार बटे तीन फिर सी की वैल्यू लिख देंगे हमारे पास में कितनी नौ बटे चौदह और फिर बी की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे कितनी तीन बटे सात आपको ऐसे नहीं करना है वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे बस एक ही लाइन में सोल्व करो जिसे मैंने क्या कहा आपसे मैंने आपसे कहा कि बस एक डंडा खींचो और यहाँ पे ए की वैल्यू लिखो ए की वैल्यू कितनी है चार बटे तीन तो मैंने लिखा चार और बटे में तीन सी की वैल्यू कितनी है नौ बटे चौदह तो यहाँ पे लिखा मैंने नौ और यहाँ पे कितना आ जाएगा

और C की हमसे वैल्यू पूछिए तो सात से इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा दो बार तीन तिया नौ से नौ कट जाएगा और दो से चार कितनी बार कटेगा दो बार अगर मैंने दो से इसे काटा तो कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में दो रूट तीन आ गया और दो से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा पंद्रह बार अब रूट तीन बटे पंद्रह का मतलब क्या हुआ मैं इसको यहाँ सोल्व करके बता देता हूँ सी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में पंद्रह बटे रूट तीन अब देखो पंद्रह को स्प्लिट करो पंद्रह को मैं क्या लिख सकता हूं पांच इंटू तीन बटे कितना है रूट तीन अब इस तीन में रूट तीन इंटू रूट तीन छुपाए कि नहीं छुपाए तो इसे रूट तीन से अगर मैं तीन को काटूंगा तो कितना आ जाएगा रूट तीन तो यहां से मेरे पास में आंसर कितना बना पांच रूट तीन मतलब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पांच रूट तीन कब जब ए बी के क्या है हमारे पास में डायरेक्टली वेरी कर रहा है और ए सी के इनडायरेक्टली वेरी कर रहा है ए की वैल्यू चार रूट तीन है बी की वैल्यू तीस है तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में पांच रूट तीन आ जाएगी चलो अगला सवाल बनाओ इसका सोल्यूशन देखने से पहले आप खुद ट्राई करो उसके बाद सोल्यूशन देखना ठीक है मैं तो रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए पढ़ाता रहूंगा आप क्या करो वीडियो को एक बार पॉज कर लो और उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करो चलो क्या बोला है आर एस के अनुक्रमानुपाति है और टी के व्युत है तो मैंने क्या बोला है आर एस के अनुक्रमानुपाति है और आर टी के क्या है व्युत है तो यहाँ से मेरे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा आर वन एस कहाँ चला जाएगा नीचे इन कितना हो जाएगा टी वन अब यहाँ से कितना बनेगा बराबर में आर टू इन टू टी टू बराबर कितना आ जाएगा एस टू अब यहाँ से कितनी भी कंडीशन बना लो आर थ्री टी थ्री आर फोर टी फोर कितनी भी बना लो सब बन जाएगी ठीक है अब यहाँ से जो फॉर्मूला बना ये बना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है बस शुरू में जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा उसके बाद फिर अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी ठीक है चलो अब यहाँ से ये दिया है मेरे पास में आर की वैल्यू कितनी है फिर से अपन ने बटे में दिया है तो एक लाइन खींची बराबर यहाँ भी एक लाइन खींच लेंगे आर की वैल्यू पहली कंडीशन में अपने पास में दी है दो बटे तीन तो आर की वैल्यू दी है दो बटे तीन टी की वैल्यू कितनी है पांच बटे सात है आर टी की वैल्यू पाँच बटे सात एस की वैल्यू कितनी है अपने पास में चार बटे इक्कीस है तो इक्कीस कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ऐसी कंडीशन में आर कितना है तीन बटे चार है उसके बाद एक बटे कितना है नो है और हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा है एस की वैल्यू तो इंटू कितना हो जाएगा एस हो जाएगा तो सात से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा तीन बार और तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा दो से ही कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में दो बार और दो से ही कितनी बार कट जाएगा दो बार कट जाएगा और फिर ये कितनी बार कटेगा मेरे पास में तीन या नौ तो मेरे पास में कितना बचा तीन दूनी छः छः पंजे तीस तो वन बाई एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में तीस आ गई अगर वन बाई एस की वैल्यू है तो इसको उल्टा करो एस बनेगा इसको उल्टा करेंगे कितना बनेगा वन बाई थर्टी तो एस की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई एक बटे तीस डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है क्लियर है हम ठीक है अब आ रही है बात समझ में अब कर लोगे अगला सवाल करो फिर अगला सवाल क्या है एक्स रूट वाई के अनुक्रमानुपाती है क्या बोला मैंने एक्स जो है रूट वाई के अनुक्रमानुपाती है तो एक्स बटे कितना हो जाएगा मेरे पास में रूट वाई तो एक्स वन वाई वन इसको बोल दिया मैंने बराबर कितना आ जाएगा एक्स टू अपॉन रूट वाई टू आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू पहली कंडीशन में कितनी दी है अपने पास में अठारह एक्स की वैल्यू दी है अट्ठारह बटे रूट कितना हो जाएगा मेरे पास में बीस पॉइंट पच्चीस सेकेंड कंडीशन में एक्स की वैल्यू कितनी दी है सेवन पॉइंट टू बटे कितना आ जाएगा रूट वाई टू या फिर वाई कुछ भी आप लिख सकते हो क्योंकि अभी वैल्यू लिखा चुकी है अब देखो अब रूट से इस वैल्यू को बाहर कैसे निकालेंगे ठीक है अभी आपने मैं सिखाऊंगा आगे कैलकुलेशन वाली वीडियो में कि स्क्वायर रूट को बाहर कैसे निकालते हैं अभी एक देखो अगर लास्ट में यूनिट डिजिट में आपको पांच दिखे तो उसका जो स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा पांच होगा अब जब अपन स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है पावर दो होना तो यहां से दो डिजिट हटा दो यहाँ भी अभी अभी आप पॉइंट मत देखो बस खाली नंबर देखो कि दो है मैं इसको यहां लिख देता हूँ अभी दो है और मुझे क्या करना है इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो पाँच का क्या लिख दिया मैंने पाँच जब भी किसी स्क्वायर के किसी भी स्क्वायर वाले नंबर के अंदर पाँच है यूनिट डिजिट में तो इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा उसके अंदर भी कितना होगा यूनिट डिजिट में पाँच होगा अब स्क्वायर रूट निकाल ले इसलिए लास्ट की दो, दो डिजिट को मैं क्या कर दूंगा कैंसिल मेरे हिसाब से वेरी नहीं करती अब बीस को देखो क्या करना है हमें बीस को देखना है अब बीस ये देखो किसके स्क्वायर के पास है जैसे मैंने कहा चार का स्क्वायर कितना होगा सोलह और पांच का स्क्वायर कितना हो जाएगा पच्चीस तो हमें वो वाला नंबर लेना है जिसका स्क्वायर स्क्वायर इस वाले नंबर से कम है जैसे 4 का, कितना है? 16. 5 का कितना है सोलह पांच का कितना है तो जस्ट जस्ट पीछे जो छोटा नंबर है वो कितना है सोलह है इसलिए मैं चार को यहाँ पे लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा फोर्टी फाइव तो जो बीस पॉइंट पच्चीस है उसका स्क्वायर कितना बनेगा साढ़े चार ये जो पैंतालीस निकल के आया है ये दो हजार पच्चीस का स्क्वायर रूट है अगर मैं पॉइंट लगा है दो डिजिट के बाद तो बाहर निकलेगा केवल एक पॉइंट तो यहाँ से मेरे पास में कितना बनेगा अट्ठारह बटे फोर पॉइंट फाइव बराबर सेवन पॉइंट टू अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास में रूट वाई तो यहाँ से नौ से काटेंगे मैं कितनी बार कटेगा अपने पास में नौ दुनिया अट्ठारह और नौ से कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में पॉइंट फाइव बार ठीक है और दो से इसे काटूंगा मैं कितनी बार कट जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स तो यहाँ से मेरे पास में रूट वाई बराबर कितना आ गया थ्री पॉइंट सिक्स इंटू पॉइंट फाइव कितना आ जाएगा है? रूट वाई की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी वन पॉइंट एट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी वन पॉइंट एट और यहाँ से वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है तो दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो अगर 1.8 का स्क्वायर देखने जाएंगे कितना आ जाएगा 3.24 कैसे 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर एक के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर करने पर कितने के बाद पॉइंट आएगा दो के बाद तो 324 में दो के बाद पॉइंट लगाएंगे कितना आ जाएगा 3.24 पॉइंट डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा आई बात समझ में क्लियर हुआ ठीक है चलो अगले सवाल पे चलते हैं दिया गया है कि वाई रूट एक्स के व्युत क्रमानुपाति है वाई जो है क्या है रूट एक्स के रूट एक्स के व्युत क्रमानुपाती है तो क्या बनेगा फॉर्मूला वाई वन अपोन रूट एक्स वन बराबर वाई टू अपोन कितना आ जाएगा मेरे पास में रूट एक्स टू क्लियर हुआ ठीक है तब यहां पे मेरे पास में कितना बनेगा वाई की वैल्यू मेरे पास में दी है छत्तीस और x की वैल्यू भी कितनी दी है 36 मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास में root √36 बराबर हमें क्या दिया है कि y बराबर 54 हो तो x की वैल्यू बतानी है तो y की वैल्यू कितनी है 54 और root √x की वैल्यू हमें बतानी है मतलब x की वैल्यू बतानी तब यहाँ से 9 से चार बार कटेगा 9 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार तो 4 36 बार निकालो कितना आ जाएगा 6 बराबर। 6 कितना आ जाएगा मेरे पास में root √x 2 से 2 बार दो से तीन बार दो से फिर से कितनी बार तीन बार रूट एक्स की वैल्यू तीन का तीन में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा नौ no. अब यहां से रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में एट्टी वन ये आठ नहीं है एट्टी वन है कितना है एट्टी वन ठीक है तो इस सवाल का उत्तर कितना है मेरे पास में एट्टी वन क्लियर हुआ आई बात समझ में चलो अगले सवाल पे चलते हैं तो ये लिखा नहीं है मैं लिख देता हूं ये सी जी एल 2023 दो हजार तेईस का सवाल है कब का है सीजीएल टीयर वन दो हजार तेईस का बनाओ इसे कब हुई थी ये जुलाई में हुई थी देख लेना जुलाई वाली किसी शिफ्ट का सवाल है नहीं नहीं ये नहीं है वो दूसरा सवाल है वो दूसरा सवाल है भाई ये वाला सवाल दूसरा है

तो यहाँ से जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट और उसकी लंबाई मतलब लेंथ एल माना मैंने उसे उसके बाद आगे देखो और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के वर्गमूल के व्युत क्रमानुपाती है किसके जी के कौन और लगा है और का मतलब क्या होता है आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा कि जब भी और लगा हो तो हमें फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी मिल रही है मतलब फर्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के कौन है टी है तो यहाँ से टी जो है वो युद्ध क्रमानुपाती है किसके वर्गमूल के जी जो है इस उसके ठीक है वित क्रमानुपाती है एक लोलक की समय अवधि तीन सेकेंड है तब यहाँ से अपन फॉर्मूला बनाते हैं टी वन अपन इंटू कितना आ जाएगा जी वन वो भी रूट में बटे कितना आएगा मेरे पास में रूट एल वन बराबर टी टू इंटू कितना आएगा रूट जी टू बटे कितना आ जाएगा रूट

लंबाई 64 दी है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 16 दिया और लोलक की जो अवधि पूछी है तो टी इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास में जी का मान बताओ इसमें जी की वैल्यू कितनी है जी की वैल्यू है 16, तो रूट कितना आ जाएगा मेरे पास में 16? बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में रूट सिक्सटी आप अब आपको इसे देखने में थोड़ी सी क्या हुई कठिनाई कठिनाई हुई होगी पहली बार जब देखा है जब अपने फॉर्मूला बनाया तो कितना छोटा सा सवाल हो गया बस कर लो इसे रूट को बाहर निकालेंगे अपन चार को तो कितना तो 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 बनेगा तीन इंटू तो दो बटे कितना तीन बराबर टी इंटू चार बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में आठ तो तीन से तीन कैंसिल हुआ दो से दो हो जाएगा दो छुप कितना आ जाएगा आठ तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी चार तो यहाँ से चार सेकेंड हमारे सवाल का उत्तर ठीक है चलो अगले सवाल पे चलते हैं एक पेड़ की लंबाई उसकी उम्र के वर्गमूल के अनुसार बदलती रहती है अभी पेड़ की उम्र क्या है नौ साल है और उसकी ऊंचाई चार फीट है अब देखो सारे सवाल क्या है सेम चल रहे हैं तो ये सवाल तो आप कर ही लोगे आराम से बहुत ही सरल सवाल है तो मैं इसे एज डब्ल्यू लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है ये तो कर लोगे बहुत आराम से कर लोगे बहुत आसान सा सवाल है चलो अगला सवाल ये अच्छा सवाल है क्रमानुपात की निम्नलिखित तालिका में क्रमशः ए बी और सी के मान दिए हैं क्रमानुपात का मतलब क्या है हैुपात का मतलब क्या है मल्टीप्लाई में होंगे सारी चीजें अगर मैंने क्या कहा कि अगर एम की वैल्यू यहाँ पे दी मैं एम को मान के चलता हूँ एम जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के तो यहाँ से एम वन इन टू एन वन बराबर कितना आएगा एम टू इन टू एन टू देखो पहली कंडीशन में एम की वैल्यू पंद्रह है और एन की वैल्यू चार है तो मैंने यहाँ से लिख दी पंद्रह इन टू कितना माइनस चार बराबर सेकेंड कंडीशन देखो एम की वैल्यू चार है तो माइनस कितना हो जाएगा चार और एन की वैल्यू कितनी ए है तो इंटू कितना हो गया ए तो एक माइनस से माइनस कैंसिल हो गया पंद्रह चुक साठ और छः से इसे काटेंगे दोनों को कितनी बार कटेगा दस बार तो ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई दस आई सेकेंड कंडीशन देखो दो और बी दिए अब यहाँ पे हमारे पास में एक्टिव वैल्यू तो खाली यही पता है यहाँ भी पता चल गई कि ए की वैल्यू कितनी आ गई अब दस आ गई तो दोनों में से कोई भी रख लो या तो ये रख लो या रख लो मैं ये रख देता हूँ आप इन दोनों को भी रख के कर सकते हो देखो माइनस चार इंटू ए की वैल्यू कितनी आई दस बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में दो इंटू बी तो दो से इसे काटिंग कितनी बार काटेगा तीन बार तो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस तीस अब आप ऑप्शन से भी कर सकते हो आराम से दस माइनस तीस माइनस वन ए की ऑप्शन है आराम से आ जाएगा लेकिन अब मैं कर रहा हूँ फिर भी अब यहाँ पे अब इन दोनों को ले लो इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो इसके साथ कंपेयर करवा दो तो मैं बी की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ माइनस तीस और इसको इस साथ में कंपेयर करवा देता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास में दो इंटू माइनस तीस बराबर सी इंटू कितना आ जाएगा साठ अब देखो तीस धूना कितना हो जाएगा साठ साठ से साठ कैंसिल बचेगा कितना माइनस वन तो कौन सा ऑप्शन आएगा मेरा आंसर ये वाला ए दस माइनस तीस माइनस ठीक है क्लियर है तो ऐसी तालिका भी आए तो घबराना नहीं है क्या है एम की वैल्यू दी है और यहाँ पे क्या दिया था एन की वैल्यू और बोल दिया गया वित्त अनुपात की तालिका वित्त अनुपात है इसका मतलब क्या है हमारे पास में एम एन के वित्त क्रमानुपात ये है या फिर एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के और उसके बाद एम और एन की अलग अलग, अलग वैल्यूज देती है ठीक है ये अभी अपन ने सीखा है या फिर आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते थे इसे जैसे आप फॉर्मूला बनाना चाहते थे तो एम वन सॉरी मल्टीप्लाई में एम वन इन टू एन वन बराबर एम टू इन टू एन टू कहा तक है चार तक वेली बराबर एम थ्री इन टू कितना एन थ्री बराबर एम फोर एन टू एन फोर उसके बाद किसी भी दो को उठा लो इन दोनों को उठा लें जैसे पहली बार पहली कंडीशन में मुझे बस खाली इन दोनों की वैल्यू पता है तो मैंने इन दोनों को उठा लिया फिर यहां से इन दोनों को पता है तो इन दोनों के साथ किसी को भी कंपेयर करा दो सबकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है अरे बात समझ में क्लियर हुआ चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो जो प्राइज है प्राइज है वो डायरेक्टली प्रोफेशनली किसके उसके वेट के ठीक अब क्या बोला है उन्होंने कि चौदह ग्राम के हीरे का मूल्य पच्चीस सौ साठ है यह हीरा पांच रेशो नो के अनुपात में अनु, अनु, अनुपात में दो टुकड़ों में टूट जाता है तो अगर उसका जो वेट है चौदह ग्राम होता तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे पास में चौदह का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा वन नाइन्टी सिक्स लेकिन हुआ क्या जो हीरा है वो टूट गया कितने का था चौदह ग्राम का किस रेशो में टूटा है पाँच रेशो नो में अगर मैं चौदह को पाँच रेशो नो में डिवाइड करूँगा तो वैल्यू कितनी बनेगी जोड़ो पाँच जोड़ों को चौदह ही बनेगी चौदह की वैल्यू चौदह है मतलब ये वैल्यू भी एक गुना है कितनी बन जाएगी पाँच ग्राम ये वैल्यू भी एक गुना मतलब कितनी बन जाएगी पाँच ग्राम तो यहाँ से प्राइस कितनी आ जाएगी मेरे पास में पाँच का स्क्वायर प्लस नौ का स्क्वायर पाँच का स्क्वायर कितना होगा पच्चीस नौ का स्क्वायर कितना एट्टी वन टोटल कितना आ जाएगा यह आ जाएगा मेरे पास में वन ज़ीरो सिक्स मतलब पहले प्राइस वन नाइन्टी सिक्स थी अभी प्राइस कितनी हो गई एक सौ छः हो गई तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ देखो नब्बे का और किस पे हुआ वन नाइन्टी सिक्स पे और परसेंटेज लगाने के लिए इंटू क्या करते हैं अपन हंड्रेड परसेंट चार से काट ले चार से काटेंगे चार चुक सोलह चार नमक छत्तीस और चार से इसे काटेंगे दो से काट लेते हैं इसे दो से काटेंगे पैंतालीस बार और ये कितनी बार कटेगा फिर मैं इसको सोई ही बनाने, बना रहे रहने देना चाहता हूँ तो ये कटेगा मेरे पास में नाइन्टी एट अब देखो अगर मैं नाइनटी एट को सो मानूँ तो सो से सो कट जाएगा कितना आएगा आंसर मेरे पास में फोर्टी फाइव लेकिन ये 98 था इसीलिए 45 से कुछ ज़्यादा आएगा 45 से कम नहीं आएगा कुछ ज़्यादा आएगा क्योंकि भाग अपन छोटी संख्या से देंगे तो मेरे पास में ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है फोर्टी पॉइंट फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन एट टू परसेंट उनचास पॉइंट इकहत्तर बहुत दूर हो जाएगा ठीक है अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो फिर इसे चार से काटना पड़ेगा और फिर उनचास का भाग देना पड़ेगा ठीक है और यहाँ से अपन ऑप्शन से कर रहे हैं इसको कि अगर यहाँ पे कितना है 196 नाइन्टी सिक्स से दो सी से काटूंगा का मैं कितनी बार कटेगा 98 एट ये कितनी बार कटेगा 45 मैंने 98 से 100 को डायरेक्ट उड़ा दिया अप्रोक्सीमेशन करके तो मेरे पास में आंसर कितना बना 45 परसेंट लेकिन अपन ने क्या किया है नाइन्टी से नहीं सौ से भाग दिया है. अगर 98 मतलब कुछ कम से भाग दूंगा तो मेरे पास में वैल्यू कैसी आएगी बड़ी आएगी जैसे मैंने कहा अगर मैं छे को दो से भाग दे रहा हूं और एक कंडीशन में कहा छे को तीन से यहाँ पे आंसर कितना बना दो यहाँ छोटी वैल्यू से जब मैं भाग दे रहा हूं तो रही? बड़ी बड़ी वैल्यू से भाग दे रहा हूं तो इसलिए मैंने पहले सौ से भाग दिया तो पैतालीस आंसर आया लेकिन सो से छोटा नंबर नाइनटी एट से भाग दूंगा मतलब पैंतालीस से कुछ ज्यादा आएगा पैतालीस से कुछ ज्यादा कितना फोर्टी तो अपने पास में आंसर कितना बनेगा सी ऑप्शन क्लियर है चलो एस दो हजार इक्कीस का सवाल है क्या पूछा है ए संयुक्त रूप से बी और सी के का अनुक्रमानुपाती है और बी की वैल्यू कितनी है तीन सी की वैल्यू दो और ए की वैल्यू तो बी पांच ये भी सरल से सवाल है ये भी कर ही लोगे आप ठीक है ये भी करके लेगा ना अगला सवाल देखो ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है और सी के घन के विक्रमानुपाती है चलो ये करवा देता हूँ ए बी के क्या है धनात्मक वर्गमूल मूल्य के अनुक्रमानुपाती उसके बाद ए सी के घन के व्युत है तो वन ओपन कितना हो जाएगा सी का क्यूब तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनाया मैंने ए वन इन सी वन का क्यूब बटे रूट बी वन बराबर ए टू इन कितना हो जाएगा मेरे पास में सी टू का क्यूब बटे कितना आएगा रूट बी टू तो पहली कंडीशन में अपने पास में बी कितना है सत्ताईस और सी कितना है दो और ए कितना है पंद्रह है ए कितना है पंद्रह सी कितना है दो है बटे कितना आ जाएगा रूट सत्ताईस बराबर सेकेंड कंडीशन में ए पंद्रह है ए पंद्रह नो सी दो अच्छा ए पंद्रह हो गया ना ए नो है और सी दो है बी का मान हमसे पूछा है ए की मान कितना है मेरे पास में नो है और बी सी की वैल्यू कितनी दे दी है दो दे दी है इस कंडीशन में भी दो का क्यूब बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में रूट बी रूट कितना आ गया बी आ गया दो के क्यूब से दो का क्यूब कट जाएगा मेरे पास में तीन या नौ तीन से कितनी बार पाँच बार तो यहाँ कितना आ जाएगा पाँच बटे रूट सत्ताईस बराबर कितना आ जाएगा तीन बटे रूट बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा तो यहाँ से रूट सत्ताईस अपने पास में निकलेगा नहीं तो रूट सत्ताईस रूट बी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में तीन इन रूट सत्ताईस बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में पाँच तो नो इंटू सत्ताईस कितना बनेगा देखो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तीन का स्क्वायर कितना आएगा b की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं तीन का स्क्वायर नो रूट सत्ताईस का स्क्वायर कितना बनेगा सत्ताईस ही बनेगा और यहाँ से पांच का स्क्वायर कितना बन जाएगा पच्चीस नो इंटू सत्ताईस मतलब नो का कितना बन रहा है अपने पास में क्यूब वगैरह कुछ नहीं बन रहा है नो का स्क्वायर इक्यासी इंटू तीन बनेगा जो कि कितना होता है टू फोर्टी थ्री कुछ लोगों ने बोल दिया होगा नो का क्यूब नो का क्यूब सत्ताईस कहाँ से नो का स्क्वायर दिख रहा है तुम लोगों को ये दिख रहा है नो इंटू तीन नो इंटू तीन मतलब नो का स्क्वायर इक्यासी इक्यासी इंटू तीन कितना होता है टू फोर्टी थ्री बटे कितना आएगा पांच का स्क्वायर पच्चीस ठीक है कुछ लोग तो बिल्कुल सोए रहते हैं जो यहाँ से बोल दिया वो ही सकते है उसको क्रॉस चेक भी नहीं करते अरे क्रॉस चेक किया करो किसी दिन किसी जी एस एम एस की फैकल्टी ने ही कुछ बता दिया ऐसा गलत उल्टा पुल्टा उसको रट के चले गए एग्जाम में और उसको सही भी लगा के आ गए याद रखा बढ़िया लेकिन दूसरे दिन पता चला एस एस सी ने गलत माना है क्यों माना है क्योंकि टीचर गलत इन्फॉर्मेशन दे के चला गया था आपको इसलिए थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लिया करो अब जैसे अपन क्या कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर सवाल है तो एक बार इनको सर्च करने में क्या बिगड़ रहा है सर्च कर लो वैसे इतना विश्वास होना चाहिए

कार के वजन और इसकी चाल के वर्ग मील प्रति घंटे के अनुक्रमानुपाती है ठीक है अब क्या बोला है इसको एक लाइन में समझना जो कार को एक कर्व मोड पर फिसलने से रोकने के लिए ये सब फालतू बात है क्या बोला है कि जो फोर्स है फोर्स जो है अपने पास में कार के वजन जो वेट है उस आ, कार के वेट और उसकी चाल के स्क्वायर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनुक्रमान है तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ से जो फोर्स है एक कंडीशन क्या बनी जो फोर्स है उसकी वेट उसका वेट के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरी कंडीशन क्या है जो फोर्स है वो उसकी स्पीड के स्क्वायर के अनुक्रमान है फिर डायरेक्टली वेरी कर रहा है ठीक है उसके बाद क्या बोला है कर्व की त्रिज्या के व्युत है कौन फोर्स की ही बात चल रही है अभी बताया था और का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है तो यहां से जो फोर्स है वो क्या है त्रिज्या यानी कि रेडियस के क्या है है तो वन अब मैंने क्या लिख दिया आर लिख दिया तब मेरे पास में बताओ क्या कंडीशन बनेगी एफ को मैंने मान लिया यहाँ पे लिखा एफ वन जो अनुक्रमानुपाति है वो साल वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में ये इन का चिन्ह अल्फा मत मान लेना सारा मिटा देता हूँ एफ वन लाइन खींची नीचे कितना आएगा डब्ल्यू वन इंटू एस वन का स्क्वायर इंटू कितना आएगा मेरे पास में आर वन बराबर यहाँ पे कितना बनेगा एफ़ टू इंटू आर टू बटे कितना आएगा मेरे पास में डब्ल्यू टू इंटू एस टू का स्क्वायर क्लियर बस अब कुछ नहीं करना है वैल्यू रखना है एफ़ की वैल्यू कितनी दी है पहले तो हमें जिसकी वैल्यू जो दी है वो रख देंगे बात खत्म हमें किसी की वैल्यू से क्या मतलब 550 फीट त्रिज्या मतलब रेडियस कहाँ आएगी ऊपर आएगी ठीक है उसके बाद आगे क्या दिया है 550 फीट त्रिज्या के कर्व मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए 35 एम की चाल क्या दी है स्पीड तो स्पीड कितनी बार लिखाएगी दो बार क्योंकि स्क्वायर लिखा है तो बट्टे कितना आएगा पैंतीस कितना पैंतीस उसके बाद आगे क्या दिया है सत्ताईस सौ पचास पाउंड की कार सत्ताईस सौ पचास पाउंड की कार का मतलब क्या है उसका वेट दिया है जैसे आपने सुना नहीं है पच्चीस किलो की वो है बावन किलो की है आ, कोई बोरी सत्ताईस किलो की है ठीक है बोरी की बात हो रही थी उसके बाद क्या बोला है अपने पास में कि सत्ताईस सौ पचास पाउंड की कार तो मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे सत्ताईस सौ पचास इंटो में उसके बाद छः हज़ार एक सौ पच्चीस पाउंड बल यहाँ तो क्लियरली दिया है बल है फोर्स है तो छः हज़ार एक सौ क्या है पच्चीस बराबर अब यहाँ पे देखो छत्तीस पाउंड की कार को 750 फीट तेज जा तेजा छत्तीस पाउंड की कार है 750 क्या है मेरे पास मैं रेडियस है उसके बाद आगे क्या दिया है फिसलने से रोकने के लिए कितने पाउंड बल की आवश्यकता है बल पूछा है और स्पीड दिए पचास तो मैंने दो बार पचास से मल्टीप्लाई कर दिया अब देखो ग्यारह से इसे काटूंगा मैं कितनी बार कटेगा पचास बार यहाँ पे पेन दूसरी चेंज कर लेता हूँ मैं रेड देखो 11 से 50 बार 11 से कितनी बार कटेगा 11 दो नाबीस 11 पचे पचपन 25 बार ठीक है एक जीरो से एक जीरो में बाद में काटूंगा 25 से काट लेता हूँ कितनी बार 10 बार और 25 से कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में दो बार और दो से इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा पांच बार उसके बाद पांच और पांच इससे लेता हूं मैं सात बार पच्चीस से मतलब पच्चीस दूना पचास कितना बचा मेरे पास में ग्यारह बचा एक बनेगा तो पच्चीस चौक So, उसके बाद कितना बच जाएगा? 12, तो 25, 25 कितना बनेगा? से काट लो फिर. की जो सारी वैल्यू थी वो सब कट गई है हमारे पास में इधर कितना बच रहा है केवल एक बच रहा है मैं लिख दे रहा हूँ याद रखने के लिए कि केवल कितना बच रहा है एक अब यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो गया पांच सी से काटेंगे कितने बार कटेगा पंद्रह बार फिर पांच से ये दस बार कट जाएगा पांच से कितने बार कटेगा तीन बार तीन से कितने बार कट जाएगा ये बारह सौ बार यहां से मेरे पास में वन बराबर कितना आया एफ बटे बारह हजार यहां से एक का मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ की वैल्यू मेरे पास में आ कितनी आ जाएगी बारह हजार यहां से फोर्स कितना आएगा बारह हजार ठीक है देखा कितनी आसानी से बना लिया वेरिएशन पता होना कितना ज़रूरी है अब आपको इस वीडियो के बाद पता लग गया होगा एसएससी और भी अच्छे सवाल पूछ सकती है इसमें कोई दोहराई नहीं है तो अपना वेरिएशन यहीं पर ख़त्म होता है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू धन्यवाद टेक केयर